अनुसूचित जाति को शर्मसार करने वाली घटना भंडारा जिले में वहां पे घटी है। एक 35 साल की महिला जिसके साथ बर्बरता पूर्वक वहां पे सामूहिक बलात्कार किया गया, उसकी जो असहायता थी उसका फायदा उठाते हुए चार नराधमों ने 3 दिन तक उसे दबोच कर रखा। 2 दिन भंडारा में, नहीं 2 दिन गोंदिया में और 1 दिन भंडारा में। भंडारा के कर्नाड वो गांव के बाजू में जो जंगल है और गोंदिया के मुरगोली के जंगल में उस महिला को वहां पे दबोच के रखा गया। 2 तारीख की सुबह में एक महिला रास्ते पे पड़ी हुई लोगों को दिखी, उन्होंने पुलिस को वहां पे इन्फॉर्म किया। उसके बाद तुरंत उसे सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया क्योंकि महिला की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, क्रिटिकल थी। उसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर में भेजा गया जहां पे डॉक्टर मानसी श्रीगिरीवार और डॉक्टर कांचन गोलावार, इन दो डॉक्टर और उनकी पूरी टीम ने महिला का उपचार किया। एक बहुत बड़ी सर्जरी महिला के ऊपर हुई है और उसके रिकवर होने के बाद शायद उसे 6 महीने भी लग सकते हैं, 8 महीने भी लग सकते हैं और एक बड़ी सर्जरी होने वाली है, ऐसा डॉक्टर ने हमें कहा है। इस घटना में पुलिस ने अभी तक वो पीड़िता का बयान नहीं ले पाए क्योंकि जब वो रास्ते पे पड़ी हुई थी तभी भी वो अनकॉन्शियस थी। स्टेबल होने के बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इन दो डॉक्टरों से महिला ने जो पूरी घटना बताई, उस घटना के हिसाब से इस घटना में 3 नहीं 4 आरोपी हैं। पुलिस के हिसाब से भंडारा से 2 आरोपियों को पकड़ा गया है, गोंदिया में 1 आरोपी जो है वो फरार है और उसके लिए वहां पे टीम भेजी गई है और जल्द ही वो पकड़ने जाने वाला है, ऐसे उनका कहना है। इसी प्रकार अब ये जो चौथा आरोपी कौन है, ये जब तक महिला को पूरी तरह से होश नहीं आता तब तक वो नहीं बता पाएगी और तब तक पुलिस का कोई स्टेटमेंट भी नहीं होगा इस मामले की, क्योंकि आपको पता है हम सरकार में हैं और हम हमारी जिम्मेदारी जानते हैं। जब यह घटना हुई तभी से राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस इस पूरी घटना का फॉलोअप ले रहे कि मी पण कायद्याची स्टूडेंट नाही पण रोज या पद्धतीच्या केसेस हाताळताना आयपीसीची कलम काय आहेत ती मात्र नक्की लक्षात येतात। विनय भंगामध्ये सुद्धा 354 त्याच्यानंतर ए बी सी डी अशी 5 कलम आहेत, त्याच्यातली काही वेलेबल आहेत काही नॉन वेलेबल आहेत। यामध्ये शिक्षा जी आहे तुम्ही जे म्हणाला त्या पद्धतीने ही होण्यासाठी वेलेबल ऑफेन्स कुठला आणि नॉन वेलेबल ऑफेन्स कुठला तो त्या पद्धतीने रजिस्टर्ड होणं तितकंच गरजेचं। याच्यामध्ये महत्वाची भूमिका कोणाची आहे, पोलिसांची, कारण माझा हात धरला हा 354 मध्ये बसतो, ए मध्ये बसतो, बी मध्ये बसतो, सी मध्ये बसतो का डी मध्ये बसतो, वेलेबल मध्ये बसतो की नॉन वेलेबल मध्ये बसतो हे पीडितेला माहिती नसते, ते बसवण्याचं काम पोलिसांचं आहे। आणि त्यामुळे जितके काही कायदे आपल्याकडे आहेत ते अतिशय स्ट्रॉंग आहेत पण त्याची अंमलबजावणी, आग्रही अंमलबजावणी, प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी आपण सगळ्यांनी भूमिका मांडणं तितकंच गरजेचं आहे।